समस्याओं को लेकर आज संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल डीएम मुजफ्फरनगर में मिला है, अपनी समस्या गिनाई है। इसके दौरान ही व्यापारियों ने डीएम को संबोधित 5 सूत्रों को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने ज्ञापन देकर व्यापारी कल्याण कोष योजना पर हर स्टेशन हाईवे नहा टोल टैक्स अदा करने सिवाय गेट टोल टैक्स के रिटर्न माचिस ओए नट परतपुर पाइप पट्टी का विस्तार करने के संबंध में उचित कदम उठाए, 4 मांगे आप देख सकते हैं। प्राइम बिकी न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल की मुजफ्फरनगर से खास रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? नंबर एक हमने ज्ञापन दिया है फायर ब्रिगेड के लिए, जो हमारा बिल्कुल सिटी के बीच में कचहरी रोड पे एक ही फायर ब्रिगेड है, और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए डीएम को दिया है इनकी संस्कृति के साथ वो भेजने के लिए शासन को, क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि शहर की ये बीचों बीच है, जिसको यहाँ से अगर कहीं मंडी में या कहीं इधर कोई दुर्घटना हो सकती है तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जाम में फंस जाते हैं, कहीं कुछ होता है, समय में नहीं पहुँच सकते। इसलिए फायर ब्रिगेड के लिए कहा है कि हाँ 50 साल से ये एक ही है, बहुत आवश्यक है फायर ब्रिगेड, एक तो इसके लिए दिया है। और नंबर दो हमने दिया है व्यापारी कल्याण। व्यापारी कल्याण में हमारे पास जब तक सेल टैक्स में डिपार्टमेंट था तो तब तक हमारे को 10 लाख रुपए मिला करते थे, जब कोई व्यक्ति या कोई काम हो जाता था रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए, लेकिन जब GST लागू हुई है तब से ये मिलना बंद हो गया है। एक इसके लिए दिया है कि शासन को GST मिनिस्ट्री द्वारा संशोधित करके भेजा जाए, जिससे कि व्यापारियों को सुविधा मिल सके। एक हमने जिलाधिकारी से मिले, हमने उन्होंने कहा है कि हमें ठीक है, हम शासन को भेजते हैं, आवश्यक है ये मिलना चाहिए। और एक हमने दिया है रोहाना और टोल प्लाजे के, जिम्मे टोल प्लाजे के, इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, रोहाना टेल फ्रोज में दिक्कत है कि उसको वापसी जो रिटर्न मिलती है तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, और इधर अगर वापसी मिलती है तो भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ दोनों समय समस्याएं हैं, इनको शासन को इनको भेजने के लिए इनको आवेदन किया गया। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।